कपिल मिश्रा जी अगर सुन पा रहे हैं तो, कपिल मिश्रा जी 400 पार का आप लोगों ने नारा दिया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि भैया ऐसे 400 पार कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि किसी को डराकर आप अपने पाले में कर दे रहे हैं, तो किसी को जेल के भीतर डालकर आप कर दे रहे हैं, और आपके पुराने सहयोगी तो अभी नए नए तैयारी हुए हैं, वो तैयार गए हैं। देखिए, लगभग सारा विपक्ष ये मान ही चुका है कि भाजपा ने जो लक्ष्य घोषित किया प्रधानमंत्री जी ने, वो लक्ष्य इस बार संभव है। 400 सीटें एनडीए गठबंधन की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब उसके बाद हारने के जो भी उन्हें बहाने बनाने हो, ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं जो भ्रष्टाचार में अंदर गिरफ्तार हुआ हो और बाद में बेगुनाह होके साबित हुआ हो, बेगुनाह होके बाहर निकल के आया हो। नेताओं के और अफसरों के घरों में नोटों की गड्डियां पकड़ी गई हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए देश की जनता ने अपनी आंखों से देखे हैं, कोर्टों के द्वारा जो भी जेल में भेजे गए वो अदालतों के द्वारा भेजे गए हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना कानूनी प्रक्रिया के जेल में गया हो। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के बहाने और पहले से ही अपनी हार को स्वीकार करके अब उसको जस्टिफाई करना और बहाने बनाना, और ठीक है, स्वाभाविक भी है, एक एक बड़ी हार की तरफ विपक्ष बढ़ रहा है, तो वो पहले से फेस सेविंग के लिए इस तरह की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा केस बता दीजिए। अभी कल ही तो संजय सिंह के रूप में उनको एक संजीवनी मिली और वो तो ये कह रहे हैं कि इसको जनता के बीच ले जाके उस तरह से मैसेज देंगे, एक भुनाने की कोशिश करेंगे। ये बीजेपी को मैसेज है 24 के लिए, वो ये कह रहे हैं। इससे बड़ा तो कोई झूठ ही नहीं हो सकता। संजय सिंह जी का जो बेल ऑर्डर है वो आपने भी पढ़ा है और हमने भी पढ़ा है। कोर्ट ने उसमें बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये जमानत जो है ये केस की मेरिट पे नहीं मिल रही है, ये अपवाद के तौर पे दी जा रही है, क्योंकि ईडी इस जमानत का विरोध नहीं कर रहा है। और इस जमानत में कहीं भी ये नहीं साबित हो रहा कि कहीं से संजय सिंह जी इस केस में बेगुनाह हैं या इस केस से बाहर हैं। और साथ में कोर्ट ने ऑर्डर में ये लिखा है कि ये जमानत जो है ये अन्य अभियुक्तों के ऊपर, अन्य आरोपियों के ऊपर इसका कोई भी नियम लागू नहीं होगा, इसे अपवाद के तौर पे देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि कल की जो संजय सिंह जी की जमानत है उसको अगर कोई लोग विजय के तौर पर देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, लेकिन इसका स्पष्ट मतलब यह है कि उन्हें भी मालूम है कि अब वो फंस चुके हैं और अब वो छोटी छोटी चीजों को, कि कोर्ट के द्वारा किसी अपराधी को 2-4 दिन के लिए बेल भी मिल रही है तो उसको भी अपनी विजय के तौर पर देखना चाहते हैं। संजय सिंह आरोपी हैं, बाकी सभी लोग आरोपी हैं, और संजय सिंह को बिना केस की मेरिट के अपवाद स्वरूप वन टाइम बेल ईडी की अनुमति से ये दी गई है। लेकिन खैर, वो कह रहे हैं कि इसे ले जाएंगे जनता के बीच, लेकिन साथ ही ये भी कि साजिश रच रहे हैं आप। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी थी लेकिन उसमें नहीं आप कामयाब हो पाए, तो फिर आपने क्या कोशिश की, राष्ट्रपति शासन लगा दी जाए। किस तरह से ये गिरफ्तारी, ऐसे आज ही उन्होंने कहा कि ये टाइमिंग पर सवाल उठाता है कि ऐसे समय में, चुनाव के समय में डाला जा रहा है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। ये तो रटा रटाया बयान है, जेल जाने से पहले हर आम आदमी पार्टी का नेता यही कहता है, लेकिन आज तक वो कुछ भी साबित नहीं कर पाए, एक फोन नंबर नहीं बता पाए सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने कि किस फोन नंबर से उनको कभी किसी भी व्यक्ति ने भाजपा से जोड़ने के लिए कॉल किया होगा। तो ये एक उनकी स्ट्रेटजी है, जब वो जेल जाने वाले होते हैं, फंस जाते हैं, तो भाजपा हमको तोड़ रही है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है, आम आदमी पार्टी के पास पूरा बहुमत है। आज तो राष्ट्रपति शासन की तरफ केजरीवाल खुद ही लेकर जा रहे हैं, अभी तक उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री अपॉइंट नहीं किया है और स्वयं वो तिहाड़ के अंदर बैठे हुए हैं। तो दिल्ली किसके भरोसे है? आज दिल्ली में अगर किसी को पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, किसी भी और तरह की प्रॉब्लम है, किसके पास जाए? क्योंकि आधे मंत्री जेल में और आधे मंत्री जेलों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जनता की समस्या सुनने के लिए तो सरकार है ही नहीं, और दिल्ली के लिए बड़ी विडंबना की स्थिति है कि दिल्ली वालों की बात सुनने के लिए आज कोई नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता की समस्या सुनी जा रही है, और वो कह रहे हैं कि जेल से ऐसे ही चलने वाली है सरकार, बल्कि कल ही सुनीता केजरीवाल उन सभी विधायकों से मिली है और वो ये उन्होंने ये शायद टटोलने की कोशिश थी, कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश थी। उन्होंने ये कहा कि सभी विधायकों ने ये कहा है कि केजरीवाल इस्तीफा ना दें, हम उनके साथ हैं और ऐसे ही चलेगी। नहीं, ये उनका पब्लिक पोस्चरिंग है, ऐसे नहीं चलेगी, ये वो भी जानते हैं, लेकिन वो अपना एक एक ब्रेव फेस मीडिया के सामने रखना चाहते हैं। उनको भी ये बात मालूम है कि तिहाड़ के अंदर अगर केजरीवाल है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, और सरकार चल नहीं रही है, इसमें सरकार इस वक्त ठप है। क्योंकि आप ही मुझे बताइए कि दिल्ली में अगर आज किसी को पानी की, बिजली की, सीवर की, किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो किसके पास जाए? दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के आधे मंत्री जेल में है, और दिल्ली के बाकी जो बचे हुए विधायक हैं वो इन मंत्रियों के पक्ष में रोज प्रोटेस्ट करते रहते हैं। जनता के बीच में तो कोई है नहीं, जनता की सुनवाई कौन करेगा? जनता के दर्द को, जनता की पीड़ा को कौन सुनेगा?
दिल्ली में सरकार जैसी कोई चीज बची नहीं है और ये जानबूझ के इस स्थिति की तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर जा रहे हैं। नहीं तो पर अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो क्यों नहीं केंद्र सरकार कुछ इंटरवीन करती, बल्कि एलजी से भी आप लोगों ने शिकायत की थी। अब ऐसे में तो संविधान की धज्जियां उड़ रही है ना, जनता पिस रही है उसमें। नहीं देखिए, संविधान की धज्जियां तो डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल उड़ा रहे हैं, लेकिन ये जो दिल्ली की पीड़ा है इसके लिए मुझे, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आम आदमी पार्टी के विधायकों से और नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि राजनीति होती रहेगी। अरविंद केजरीवाल बेगुनाह होंगे तो बाहर आ जाएंगे, गुनहगार होंगे तो अंदर रहेंगे, लेकिन आप ये तो सोचिए कि आम आदमी जो दिल्ली का है, आम जो दिल्ली की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी जनसुनवाई कौन करेगा, उनकी पीड़ा को कौन सुनेगा, उनकी पानी बिजली सीवर छोटी मोटी स्कूल की एडमिशन की कॉलेज की सड़क की टूटने की लाइट की स्ट्रीट लाइट की, ये सभी जिसके लिए सरकार होती है वो उसके, वो सरकार तो ठप हो चुकी है, कोई विधायक और मंत्री के पास टाइम ही नहीं है जनता के बीच में जाने का, जनता की बात सुनने का। बहुत ही दुखद परिस्थितियों में आज दिल्ली वालों को छोड़ रख दिया गया है, छोड़ दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन संजय जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, अब खैर कपिल मिश्रा अभी तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि जनता के बीच तो आप लोग जाते ही नहीं है, तो जनता के बीच जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश आप कर रहे हैं, जो पिक्चर दिखाने की कोशिश आप कर रहे हैं, ये जनता भी समझ रही होगी कि पिक्चर वैसी ही है या फिर जनता के मन में कुछ और है। नहीं, बेहतर होता है कपिल मिश्रा जी को आप सामने रखती हैं स्क्रीन के ऊपर, उनको कहती कि आप बड़े बड़े जो आरोप लगा के जा रहे हैं यहाँ से भाग रहे हैं, तो भारतीय जनता शाजिया जी हैं जवाब देने के लिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, मैं एक समर्थक के रूप में उनको जवाब देता, मैं ये जानना चाहता हूँ और देश जानना चाहता है, दिल्ली की जनता तो इनको नकार चुकी है, दिल्ली की जनता की परवाह ना करे, अरविंद केजरीवाल उनका बेटा है, दिल्ली की जनता की परवाह करने के लिए और दिल्ली की जनता में पूरा विश्वास और भरोसा है। लेकिन जो इन्होंने कपिल मिश्रा जी बोलकर गए, हालांकि इनकी बातों को मैं विश्वसनीयता से लेता नहीं हूं, गंभीरता से नहीं लेता। इनकी पुरानी स्टेटमेंट को यदि आप देख लें, जो उन्होंने कभी प्रधानमंत्री जी के लिए बोला है, कभी जो बोला है उन्होंने, उस इसे मैं विश्वास सीरियसली लेते थे जब, बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी में जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना होगा शुभेंदु अधिकारी पे सीबीआई, उसके बाद में उसकी जांच कैसे रुक गई, मुकुल रॉय, बीएस येदुरप्पा, राजा राठौर, विजय कुमार गावित, प्रवीण दाबेरकर, छगन भुजबल, हार्दिक पटेल, ये सारे जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा और अजीत दादा तो गोदी में बैठा लिए, 70,000 करोड़ के घोटाले को पकड़ लिया और अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, उस केस में जिसका ना तो कोई एफआईआर है, कोई मतलब है ना, कोई नामो निशान है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। सूर्य मैथिल जी और धनेन्द्र जी का भी मेरे को रुख करना फटाफट से, रिएक्शन नहीं हिमानी जी, हिमानी जी आपने देखा, हिमानी जी आपने देखा, जैसे ही बात होने लगी शराब घोटाले की, जैसी बात होने लगी कि आतिशी क्यों नहीं जा रही हैं, झूठे इल्जामों के साथ एफआईआर करा रही हैं, क्यों नाम नहीं बता पा रही, पता नहीं बता पा रही, क्यों ईडी की जांच और कार्रवाई के बावजूद बेल हो गई है संजय जी की और बेल नहीं हुई है मनीष जी की, क्यों फैसला सुरक्षित रखा है, इस पर जब जवाब देते नहीं बने, तो वही पुरानी कहानी जो तीन चार महीने से चला रहे हैं वो चला रहे हैं। बता दीजिए, खुलासा कर दीजिए फटाफट से गणेंद्र जी, और आप खुद सोचिए, वो कह रहे हैं मानहानि के दावे की भी बात करते हुए, बल्कि उनके नेता जो है वो नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में बता दीजिए, खुलासा कर दीजिए, आज ब्रेकिंग दे दीजिए, कौन वो नाम था जिसने फोन किया? देखिए हिमानी जी, आज डिबेट में दो ऐसे लोगों को बुलाया जो अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल प्रोडक्ट है, शाजी अली में कपिल मिश्रा, ये दोनों वो जयचंद्र जो अरविंद केजरीवाल की पीठ में छुरा होके निकले थे राजनीति करने और आज भारतीय जनता पार्टी में है। ये दोनों जयचंद्र अन्ना हजारे की पीठ में छुरा किसने भोंका, प्रशांत भूषण को किसने भोंका, योगेंद्र यादव को किसने भोंका, आप तो अन्ना हजारे की पीठ में छुरा भोंक गए, आपने तो अन्ना हजारे की पीठ में छुरा भोंक दिया, हमें तो इतना जलील किया गया, आपने तो प्रशांत भूषण को पिटवाया है। एक मिनट के लिए रोक रही हूं आपको, एक बड़ी खबर आ रही है, वापस लौट के कंप्लीट करिएगा गणेंद्र जी, करिएगा। इधर दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर ली, आप देख लीजिए मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। चार्जशीट में ईडी ने जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल और चार्टर्ड अकाउंटेंट तेजेंद्र सिंह के साथ अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। ईडी ने कहा है कि जगदीश अरोड़ा को 3,19,00,000 रुपए की रिश्वत मिली है, जिसमें से उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों और आम आदमी पार्टी को चुनाव के खर्च के लिए ट्रांसफर कर दिए थे।